Hello students, on behalf of Dr. Vag Biology Institute, मैं Dr. जय वाग आपका स्वागत करता हूँ। हमने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है बच्चों एक्सप्लेनेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, उसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए बच्चों, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। इसमें दो फेजेस होती है, एक होती है लाइट फेज, दूसरी होती है डार्क फेज। लाइट फेज इट्सेल्फ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज बात करेंगे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन? बच्चों फॉस्फोरिलेशन आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन चैप्टर में भी आएगा और ये चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। फॉस्फोरिलेशन का सिंपली मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू एडीपी टू फॉर्म एटीपी इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरिलेशन। तो ये जो फॉस्फोरिलेशन है, अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है तो आप उसे बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अर्नॉन, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक तो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए बच्चों, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में जो भी बेसिक डिफरेंस है वो एट द स्टार्ट ऑफ द नेम आपको समझ में आ सकता है कि नॉन साइक्लिक ये वर्ड खुद बताता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है वहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन जो पूरी प्रोसेस होने के बाद आ सकता था वो आता नहीं है। That's why this is called as a non-cyclic protophosphorylation। तो यहाँ पे जो first इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसके पास फिर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो फिर से नहीं आता है। That's why it is called as non-cyclic protophosphorylation। तो non-cyclic protophosphorylation हमने एक पांच स्टेप में डिवाइड कर दिया है to understand it better। तो देखिए बच्चों, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जैसे मैंने मेरी पहली वीडियोस में भी आपसे अपील की थी, या मैं बोलता हूँ कि बेसिक क्राइटेरिया है, जस्ट हैव अ टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ यू। आपके पास एनसीईआरटी की या स्टेट की टेक्स्ट बुक है तो ये जो टॉपिक है इसकी डायग्राम आपको देखना जरूरी है। अगर आप डायग्राम देखोगे और अलॉन्ग विथ दैट ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज डायग्राम देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने पांच स्टेप में डिवाइड कर दिया है। जो वेरी फर्स्ट स्टेप है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, उसका नाम है फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS2। तो PS2 मतलब फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है उसमें रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A680, और जो LHC होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो रिएक्शन सेंटर के लिए एक सबसे जरूरी काम करेगा, वो होगा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो एक्साइटेशन एंड फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल A680 ऑफ PS2, ये आपका पहला स्टेप फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो बच्चों यहाँ पे जो क्लोरोफिल A680 होगा वो दो अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी गेन करता है। पहला सोर्स होता है लाइट एनर्जी फ्रॉम LHC, एंड सेकेंड सोर्स होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, उससे वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फोटॉन्स होते हैं दैट कैन बी गेन थ्रू दी LHC एज वेल एज रिएक्शन सेंटर में, खुद में भी ये एबिलिटी होती है कि दैट कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी फ्रॉम द एटमोसफियर। तो दोनों सोर्सेस के थ्रू जो क्लोरोफिल ए होगा उसके पास आते हैं फोटॉन्स, मतलब जो लाइट एनर्जी होगी, और दूसरे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये भी एक सवाल होता है। तो आपके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो हम दूसरा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि यहाँ से चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्लोरोफिल A680 की तरफ। क्लोरोफिल A680 ये चार इलेक्ट्रॉन लेता है प्लस लाइट एनर्जी गेन करता है, और दोनों एनर्जी लेने के बाद वो बन जाता है एक्साइटेड। तो ग्राउंड स्टेट में जो क्लोरोफिल ए था, रिएक्शन सेंटर था, वो अभी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। आफ्टर गेटिंग एक्साइटेड वो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के थे नहीं, तो उसने जो इलेक्ट्रॉन लिए थे
फोटोलिसिस ऑफ वाटर से वही चार इलेक्ट्रॉन वो एक्सपेल कर देता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करने के बाद जो रिएक्शन सेंटर होगा 680, इट बिकम आयोनाइज्ड, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, मतलब वो आयोनाइज्ड बन जाएगा। तो अभी चार इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिएक्शन नंबर टू देखिए, आपको पता चल जाएगा बच्चों। मैंने रिएक्शन नंबर टू या दूसरा पार्ट जो लिखा है इसका नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक्चुअली अगर आप सिक्वेंस से देखोगे तो आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो दिया है अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन इट सेकंड स्टेप। तो देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है, यहाँ पर फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने बताया, विल हैव अ सेपरेट वीडियो ओवर दिस टॉपिक विद द हेडिंग हिल्स रिएक्शन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सो वी हैव गॉट फोर एच प्लस आयंस एंड फोर ओ एच माइनस आयंस। तो जो 4OH- आयंस है उसमें प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिलेंगे ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन 4H+ आयंस। तो जो 4H+ आयंस होंगे बच्चों, वो विदाउट एनी प्रोसेस डायरेक्टली आपके लास्ट स्टेप में चले जाएंगे, जहाँ पे 2NADP2- के साथ वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ये चार इलेक्ट्रॉन्स का, तो देखिए रिएक्शन नंबर थ्री, ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं वो जाते हैं फोटोसिस्टम टू की तरफ, फोटोसिस्टम टू उन्हें एक्सपेल कर देता है और तब शुरू होता है रिएक्शन नंबर थ्री। रिएक्शन नंबर थ्री है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो होता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनिशियली तो होते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में, आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन वो बन जाएंगे रिड्यूस्ड। तो ये हर इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए एप्लीकेबल है, मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा। एवरी इलेक्ट्रॉन कैरियर बिफोर गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है रिड्यूस्ड। तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, तो को फैक्टर क्यू, हमें इसे बोलना है को फैक्टर क्यू ना कि को क्यू। तो को फैक्टर क्यू इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बच्चों देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है दे वोंट कीप दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेंगे रिड्यूस्ड बन जाएंगे, दे विल इमीडिएटली सेंड दैट दोज इलेक्ट्रॉन टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो वैसे ही को फैक्टर क्यू भेज देता है वो चार इलेक्ट्रॉन को पी क्यू की तरफ। अभी ये पी क्यू जो होता है इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन भी इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर देगा साइटोक्रोम B6 की तरफ और हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। अभी साइटोक्रोम B6 जो ऑक्सीडाइज्ड था इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन गया रिड्यूस्ड। तो साइटोक्रोम B6 जब अब ये चार इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F की तरफ भेजता है तो कुछ अलग यहाँ पे होता है। क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसमें एनर्जी होती है, दे आर फील्ड विथ हाई एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज की जाती है ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ ये चार इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज टेकन बाय ADP एंड IP। एज वी ऑल नो दिस ADP प्लस IP टुगेदर फॉर्म ATP। तो ये प्रोसेस हो गया फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे ATP जनरेशन होता है साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। लेकिन बिकॉज देर इज अ फॉस्फोरिलेशन, ये फॉस्फोरिलेशन को कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी, अभी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के बाद वीक हो गए है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए प्लास्टो साइनिन की तरफ। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नाउ व्हेन दोज इलेक्ट्रॉन रीचेस टू प्लास्टो साइनिन PC हम बोलते हैं उसे, तो ये जो प्लास्टो साइनिन होता है यहाँ पे आते आते इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो ऐसे डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को अभी क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी रिचार्ज करने के लिए हमें फिर से फोटो सिस्टम यहाँ पे लाना पड़ता है, और आपका स्टेप नंबर चार यही पे शुरू हो जाता है, जिसका नाम है फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS1। बच्चों
ये जो फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS1 है, इसका रिएक्शन सेंटर, PS1 का रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A700। मैं वही बताऊंगा जो मैं रिएक्शन नंबर फर्स्ट में बताया था। ये जो क्लोरोफिल A700 होता है, ये चार इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। फर्क ये है कि यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉन है वो डी एनर्जाइज है। नाउ क्लोरोफिल ए ऑफ PS1 gain light energy in the form of photon and because of that light energy it become charged. तो along with that charging वो जो चार इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए थे जो डी एनर्जाइज थे उन्हें भी चार्ज बना देता है एंड बिकॉज ऑफ फोटो एक्साइटेशन वो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर देता है। नाउ द डिफरेंस इज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिचार्ज थे डी एनर्जाइज थे वो चार्ज बन चुके हैं। नाउ दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। देखिए रिएक्शन नंबर 5 जो है, ये जो PS1 था उसने चार इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर दिया और एक्सपेल कर दिया। अभी नेक्स्ट रिएक्शन फिर से वही आने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलते हैं, एक होता है FRS और दूसरा होता है FD। तो PS1 से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, FRS तक आएंगे। व्हाट इज FRS? FRS इज फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये जो FRS होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। एज सून एज इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम रिड्यूस, तो ये इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है फेरोडॉक्सिन की तरफ। फेरोडॉक्सिन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन चेन, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। बच्चों ठीक से सुनो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो फेरोडॉक्सिन होता है। और यही इस सवाल में अगर आपसे ऐसे पूछूंगा कि व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो इसका जवाब होता है 2NADP2-, ना कि फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन एक्सेप्ट दोज टू इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक्सेप्ट दोज फोर इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ फेरोडॉक्सिन के पास आते आते वहां पर एक और सब्सटेंस ऐड हो जाता है जिसका नाम है 2NADP2-। बच्चों 2NADP2-, ये 2- को आपको याद रखना है। तो ये 2NADP2- प्लस आपके पास चार इलेक्ट्रॉन है, और जैसे मैंने यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर में बताया था कि चार हाइड्रोजन आइटम विदाउट एनी प्रोसेस डायरेक्टली कहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ये NADP2- में ऐड हो जाते हैं। तो अब ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, 2NADPH2। दिस इज द एंड ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का एंड कहाँ पे होता है, 2NADPH2। मतलब NADPH2 जब फॉर्म होगा तो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आप अगर अच्छे से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से बहुत ही अलग है। वो कौन सी है, सबसे पहली तो यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरी बात, फोटोलिसिस ऑफ वाटर सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही होता है। तीसरी बात, यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम काम में आती है, PS2 एज वेल एज PS1। जो जब आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ोगे तो यहाँ वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फोटो सिस्टम मिलता है। तो और एक बात होती है यहाँ पर कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है PS2 का रिएक्शन सेंटर। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स वंस दे हैव एक्सपेल्ड इट, वो उसके पास कभी भी वापस नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। तो इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक जर्नी होता ही नहीं है। एंड वेयर दे रीचेस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो वो पहुंच जाते हैं NADP2- की तरफ। बच्चों अच्छे से समझ लीजिए, NADPH2 की तरफ नहीं जाते हैं, NADP2- की तरफ जाते हैं, वहां पे ऐड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म NADPH2। तो ये रहा आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वेरी सून आई विल मीट यू विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।